फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से हैप्पी होली तो सबको बोल रहा हूँ, हैप्पी होली। और एक गाने के बारे में आपको क्या बताऊँ, क्योंकि जो अस्मी थी जिससे वो सिंगर है, उसने मुझे अपने घर पर बुलाया रात में और गाना चलाया और बोला कि बस पे नाचना है। मैंने कहा ठीक है, लोगों से नाचने का मुझे बहुत शौक है तो मैं डांस वांस करता हूँ। तो मैंने डांस वांस किया काफ़ी देर तक, हम लोगों ने 3 घंटे तक हम लोगों ने बात की, बहुत डांस किया इस गाने पर। फिर उसने बोला कि तुम इस गाने पर अब वीडियो में आना है। मैंने क्या सडनली उसने एकदम से बोला, हमने कहा चल करते हैं। और वो गाना इतना अच्छा था, इतना कैची है, उसके बीट्स आई लव द बीट्स, वो इतना मज़ा आया ना हम लोगों करने में। और जो शूट तो फिर आपने देखा ही है कैसा हुआ है। आपके साथ सह कलाकार कौन कौन है? मेरे साथ है एमी थी, अस्मी जो सिंगर है, और नाइजेल है, और आलोक है, आलोक सर जो सिंगर है हमारे, और अजय था। कितना इम्पोर्टेंट था गाना लॉकडाउन के बाद, ये गाना बनना कितना इम्पोर्टेंट था? ये इम्पोर्टेंट आपको, आप तो खुद ही समझ गए होंगे, लॉकडाउन में आपको वही पुराने गाने सुनने को मिल रहे थे सब कुछ। और ये एक साल पहले गाना भी बन चुका था पहले और शूट होने के लिए तैयार था, लेकिन उस टाइम कुछ कोविड के चक्कर में शूट नहीं हो पाया। और लकीली इस बार मुझे मौका मिल गया इस गाने में आने के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार थोड़ा लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। और होली मेरे लिए डबल स्पेशल है, एक तो सब कुछ मास्क सब लोग आपको पता ही है मास्क की ज़रूरत नहीं है, होली भी करने को मिल रहा है और अब मेरे गाने पर नाचने को मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं होगा यार। गाने से क्या उम्मीदें हैं राजदीप? गाने से एक्चुअली अपने गाने से सबको ही उम्मीदें होती हैं, आप भी जानते हैं, बट इससे मुझे इसलिए उम्मीद है क्योंकि यार ये गाना ना बहुत अलग है और हम लोगों ने जिस तरह इसमें मेहनत की है ना, सिर्फ 9 घंटे में इसको हम लोगों ने पूरा शूट किया है, सब कुछ किया अपने हिसाब से, फिर एडिटिंग करना क्योंकि टाइम भी आ रहा था, होली का टाइम था, और तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, रिहर्सल्स भी नहीं कर पाए और हम लोग को सिर्फ 3-4 घंटे में हम लोग रिहर्सल्स की थी और उसके 3-4 घंटे बाद हम लोगों ने सीधा शूट स्टार्ट किया था। तो और शूट पे इतना मज़ा आया था, इतनी होली शायद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खेली जितना इस शूट में खेली है मैंने। एमी के साथ कैसी केमिस्ट्री गाने के दौरान? एमी के साथ एक्चुअली एमी हम लोग पहले ही मिल चुके थे सेट पर और उससे मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वो बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती है, तो उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है ना, तो हम लोग बहुत अच्छे चिल आउट जोन में रहते हैं हम लोग मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। और वैसे भी हम लोग के अपकमिंग भी और 2 सॉन्ग आने वाले हैं तो उस पर भी हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। और इनफैक्ट अभी हम लोग डांस करने के लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पुराने के जो हम दूसरे नए सॉन्ग्स के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गाने मर्ज हो रहे थे, तो स्टेप्स हम लोग प्रैक्टिस करके फिर अभी जाके हम लोग ने परफॉर्म किया है। और इस गाने में और अलग क्या है? गाने तो हमेशा बनते हैं, क्या अलग से इसमें देखने को मिलता है? ऑब्वियसली गाने बहुत सारे बनते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, होली के भी बहुत सारे सॉन्ग बनते हैं, बट इस कहाँ की रखी गई है, मतलब किस टाइप पंजाबी? हाँ, ये बेसिकली अगर आपको थीम देखेंगे ना, ये थोड़ा यूपी टाइप की है क्योंकि इसमें थोड़ा मस्ती है, थोड़ा मजाक है, थोड़ा छेड़खानी भी है इसमें। और वैसे में देख रहे हैं ना, आपने देखा है वो कमर पे पिचकारी डालना, तो ये सब ना थोड़ा यूपी स्ट्राइक में टच में आता है थोड़ा, इसीलिए। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को ये बोलूँगा, प्लीज़ जितना हो सके इसको वायरल कीजिए और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए, हम लोग को टैग करिए, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।